उधर कवर्धा में चोर लगातार मोबाइल शॉप को निशाना बना रहे हैं। चोरों ने बीती रात एक और मोबाइल शॉप में लाखों की चोरी की। चोर पीछे के दरवाजे से शटर तोड़कर दाखिल हुए और लाखों का मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस इसी के जरिए चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इससे पहले चोरों ने पंडरिया रोड पर भी एक मोबाइल शॉप में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। लगातार चोरी की बढ़ती वारदातों से व्यापारी परेशान है, जबकि पुलिस चोरों तक पहुंचने में नाकाम है। वो मोबाइल चोरी का ही काम करते हैं, तो जिस प्रोफेशनल तरीके से मैंने पंडरिया में काम को अंजाम दिया था, वैसे ही आज भी ये घर के पिछले दरवाजे से आके दो लकड़ी के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर एंटर किए, तो देखिए देखने से लगता है कि बाजू घर की दीवार से वो आया होगा पीछे आंगन में और दुकान के पीछे से दरवाजे को तोड़ के अंदर आया। मोबाइल लग रहा है देखने से, पर अभी आया हूँ, स्टॉक वगैरह मिला नहीं पाया हूँ, तो उसे स्टॉक मिला लूंगा तो ही बता पाऊंगा कि क्या लेके। रतलाम में